तेरे जैसा यार कहाँ। अरे भैया पागल हो क्या, क्यों बार बार बेल बजा रहे हो? पापा सो रहे हैं अंदर। वो मैडम जी हमारे घर में घंटी ना हो ना, बजा के देख रहा हूँ कैसे बजे। लो तुम दूध लो। व्हाट नॉनसेंस। सॉरी मैडम। पानी वानी तो नहीं मिलाते ना आप इसमें? ना मैडम जी, तुम्हें लग रहा हो ना हम पानी है, तो एक काम करो, दूध दूध अपने रख लो और मेरे पानी वापस दे दो, मैं अपने घर को ले जाऊंगा। अरे भैया ऐसा थोड़ी होता है, आप तो हमारे नए कस्टमर हो, आप अभी तक पानी मिला के देने लगे तो आगे कैसे चलेगी? क्या क्या मतलब? अरे मैडम आप निकलो दूध पियो और सेहत बनाओ। अरे भैया सुनो, कोई सिक्योरिटी गार्ड या माली हो तो बताना, हमारे यहाँ नई शिफ्टिंग हुई है, मेरे पापा DSP है ना, तो हमें चाहिए। कोई दिक्कत ना मैडम, छोटे मोटे काम है तो मैं चुटकी में करवा दूँ। अच्छा मैडम चलो। चल भाई रानी खेतों की। अरे कैसे आलू दिए बिखर गए। अरे डीसी, अरे कैसे आलू ने बीन रो? अरे बिखर गए हमारे बीन रो इनने। अरे मम्मी हमारे परौंठे बना रही है, पहले कह रही कचौड़ी बनाऊंगी। अरे मम्मी परौंठे खाएंगे हम तो, कचौड़ी छोड़ खाएंगे। और तू बता बोटिया दूध है? हाँ बोटिया है। कहाँ यहाँ? बीस बीस रोड कॉलोनी में। हाँ भाई कॉलोनी में, अपना तो देखो वहीं चल रहा 3-4 साल तक। पर एक बात बताऊँ तो, बहुत तगड़ी छुरी आई वहाँ में, वो कोठी बड़ी सी। चल पटाना चल रहे। अरे पटाना छोड़ तू, तू माड़ी बन जाएगा। पागल है, माड़ी बनूंगा मैं, पता कितना लेवल है मेरा। तेरा भाई आज आलू परांठे खा रहा तो सोच ले लेवल कितना तगड़ा। तेरी कसम माड़ी बन जा, जब तू पूरे दिन उनके घर रहेगा ना, नू लगा ले कभी भी बात बन सके तेरी। तो फिर एक बार देखा हुआ ना। चलता ओ तो के लिए जा, मैं खुद देखाऊंगा। दूध मराई खीर मारगी, बाबा जी मन्ना सोनी मार। सोनी होगी वो हो, ताजा रे को अंजार तो हो ही गया, यहाँ ही लगो रंग अंजार में ही आ रहा हूँ भाताई। आजा बैठ जा, कैसे जिम में नजारा लगा आजकल? अरे जिम में लड़की तो आवी नो यार, जिम में जाके कहा लूंगा मैं। अज्जू की फीस पहले 300 रुपया आई, अब 400 होगी, अब 100 कहाँ से दूंगा मैं। हट यार, तो कहा कहूँ मैं, बात ही ना समझे मेरी है। अरे तू यू बता तेरा दूध को कम कैसे चल रहा है? अरे यार बात पकड़ दे तू, तो एक लेटेस्ट बात बताऊं, जो लेटेस्ट ही कह जा, एक नया DSP आयो, बाकी छोरी। ओहो कहाँ आई है? अरे हुई जो लाल गेट है, वो कोठी सी बड़ी सी, उन नहीं ले ली। भोला मेरा भाई होएगा तो मोवा DSP की लड़की पे पिटवा दे। पिटवा दे? अरे यार मेरा सपना है कि काश कई DSP की लड़की मोहल्ला घुसान ते मारे। अरे यह काम है तो मैं तेरे सेकंडर में करवा दूंगा, उन्हें जरूरत है एक सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड? अच्छा सिक्योरिटी गार्ड, वह घर में रहेगा, लड़की घूमेगी चारों साइड, मजा आएगा। वह लड़की पटाऊंगा, वह तो ब्याह करूंगा, वह घर में रहूंगा, अपने घर के नहले जाऊंगा, फिर न्यूज में आएगी, नमस्कार दोस्तों, DSP की लड़की को हुआ सिक्योरिटी गार्ड से प्यार, और सिक्योरिटी गार्ड जो है मजा आ गया तेरा प्यार में। अरे भोला गड्ढे भरवा दे यार, ना तुम इजाजत दे मैं भर दूंगा कल सुबह। सुक्की फावड़ा दीजो। अरे सुबह तेरा पापा ले गो फावड़े, अब तू आ गो फावड़ो लेने, तू कौन खुल रही है आज मेरे धोरे? अरे ले गो होएगो यार, मो तनक ढोरन के नीचे रेत गिरना है और तो कहा। अरे तू आ जा ले। अरे हुक्का पी ले तू, डेली फोन में गेम खेलता रहे, हारे ना तू। अरे यार मैं विंजो ऐप है तो उन्हें पता का विंजो के बारे में। विंजो? विंजो कहा रहे बता, मैं कहा रहे हूँ। अरे विंजो भारत को सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ तू लूडो क्रिकेट कॉल ब्रेक पूल जैसे 70 गेम खेल सके और तू 50 लाख तक के कैश प्राइज जीत सके। यहाँ ना तू फ्री और पेड दोनों तरीका के गेम खेल सके, है ना फुल एंटरटेनमेंट। क्रिकेट है गया मैं? अरे क्रिकेट बहुत अच्छा लगा है। और का अगर तो इतना पसंद है ना, तो तू क्रिकेट और फुटबॉल पे अपनी फैंटेसी टीम बना के भी जीत सके, और सारे ही गेम में रियल प्लेयर मिले तो जीतना भी आसान है, और तू अपना सारा कैश प्राइज आसानी से विड्रॉ कर सके बैंक ट्रांसफर पेटीएम और UPI के द्वारा। अरे क्या बात है, बहुत टॉप की बात हुई। तो अरे सुन, यहाँ तो विंजो स्टोर भी है, जो तो मिलेंगे फ्री फायर डायमंड,
इंडिया में सस्ते रेट पे और बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि मिंत्रा, हॉटस्टार, डोमिनोज के डिस्काउंट कूपन मिलेंगे, तो पैसा जीत और पैसा बचा। अरे भाई मैं भी करूँ डाउनलोड ऐप पे। हाँ कर ले। और यहाँ रोज 7 दिन स्पिनर घुमाने पे तो KTM, रॉयल इनफील्ड और iPhone 13 भी जीत सके। तो अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर, और डाउनलोड करने पे तो 50 रुपए बोनस भी मिलेंगे। अच्छा जी अभी करूँ डाउनलोड। बोला हो का टाइम जाना सुबह जो तेन में लगवायो मैं देख आया छोरी। मतलब तन को लगवा दियो यू? हाँ लगवा दियो, जहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड लगवाए हाँ यू माड़ी लगवा दियो। भाई मैं तो तुम दोनों भलाई की बात करी है, यू मिलो तो या तो कह दी, तू मिलो तो कह दी। सही कह रहा। बोला जो ड्यूटी वूटी रह नो ये बड़े हिसाब तो हो गए। अब हम कहीं के ड्यूटी करने जा रहे हैं, अब गंदी सोच लेके चले जाए इनकी तरह तो ठीक थोड़ी लगे। ऐसे कहीं घर में जा रहे अपने ड्यूटी करो, अपने सुबह तक शाम तक अब खा कमा अपने घर को आ जाओ। भाई मो भी जरूरत है नौकरी, जरूरत है मो भी अपने मो गार्ड की ड्यूटी करनी है। बढ़िया अब ड्यूटी करूंगा पैसा कमाऊंगा और का। अपने ड्यूटी करनी चाहिए अगर छोरी वोरी मोह तो ज्यादा भाव देने लगी तो अपने। भाई भोला बात ऐसी है, मैं मलूक हूँ जैसे, अब छोरी भग का आवे मो तो भी कह दे अब भग जा, तो भाई मैं कहा कर सकू अब ना जी। हाँ कई बार बोला ऐसा हो जा मल्लू तो कुछ ना हो करे, कई बार नू भी हो जा गरीब को हुआ प्यार, गरीब बना करोड़पति ऐसा हो जाएगी। बाकी बात चला अब तो है ना, सिक्की नत कर लिया नियार, अब हमें भी घर जाकर नियार करना पड़ेगा, दूध धार काटनी पड़ेगी। बाकी ठीक है देख लो ढंग राड़ करवाएगा तू, हम तो चले बाकी थमी देख लीजो। किलो के भाव तुझको ले लूंगा। ले लो इंटरव्यू। और गार्ड मन करे तो देव धरती में गार्ड। बड़ा दूधिया कौन ऐसा चाहिए खतई फर्राटेदार, ऐसा नौ कर दिए वैसे ही बीत लगाए जा। ना जी तुम बेफिक्र रहो, छोरा बहुत शरीफ है, बहुत अच्छा काम करेंगे तारो। अबे माड़ी केक पढ़ो। पांचवी करिए जी। पांचवी कैसे 30 में उपड़ा पत्थर है। हाँ भाई तू केक पढ़ो। JBT कर रखी मैंने। JBT तेने सिस्टम पढ़ दिया करे। एक चीज बता तुम, अगर तू खुद इतना पढ़ा लिखा बता रहो तो वो नू बता तू, अगर हमारे घर में आग लग गई तो तू कहा करोगा मोकू? ए DSP सर जी मन जाओ, तार घर में आग क्यों लगेगी है? बे मतलब आप सगुन बोले गए घर में आग लग जाएगी क्या करोगे, क्यों लगाएगी आग? सही कह दी। सुन 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 मेरा सुन, अगला सवाल अगर मैं बाहर खड़ा हूँ जैसे तू सिक्योरिटी गार्ड है और मेरे को थूत पड़ो है पड़ो दे बुरी तरह, अब तू कहा करोगे फिर? DSP तुम पागल तो ना हो गए हो, तारा थप्पड़ क्यों मारा कोई? आप DSP हो DSP, अपनी औकात समझो, उल्टी बात करे करो थप्पड़ मार दे कोई। वाह वाह सिक्योरिटी गार्ड तुझे बहुत अच्छा हो, ऐसा ही चाहिए वो। माली मैंने कह रहा मन जैसे तू पांचवी तक पढ़ो तो मतलब तू पांचवी तक के सवाल पूछूंगा, तू मो नू बता गाय कितने ठंड रहे? अजी गरीबी के कारण हमारे गाय नहीं। तुम्हारे जान तो ए सुन, बहुत बढ़िया ये बहुत अच्छे इन्हें लग रहा था। पापा पापा मैंने नेहा के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। हाँ ठीक ठीक ठीक। मैडम जी ही यू आपकी यहाँ पड़ी नीचे। अरे थैंक यू। कहाँ आया मैं संतरी सी आई तो कैसे बज रही? अपनी हरकत न ठीक राखियो, कौम तक कौम रखनो, अच्छो कौम करनो और कौम करके अपने घर चलो जानो, ठीक है? लग जाओ कौम पे। राम राम मैडम जी, लत्ता लिया है? हाँ ठीक लग रहे हो तुम तो। अरे मैडम जी आ गई तुम, हाँ तुम की हीरोइन है री मोदे इनने। हाँ यार पकड़ो पकड़ो बहुत थक गई मैं। अच्छा थक गई मैडम है वो? हाँ चौंधा बहुत ज्यादा पड़ रहा हूँ ना तो थक जावे। DSP की छोरी कब पटेगी तू? पट जा सिंग पूल में नहा के चूर चूर हो गई हो, चूर चूर हो गई हो। अरे क्या कर रहे हो आप पूल में? मैडम जी मैं बैट बॉल खेलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो बैट बॉल की बहुत याद आ रही है, पटपड़ा सा
मैं खेलने लगा। आपका काम वहाँ पे है ना, आप वहाँ जाओ। अब मैडम तक घर में कोई आ रहा था, मैं कहा गार्ड करूँ, मैं किसे रोकूं? कुत्ते बिल्ली आ जाते हैं वहाँ पे, कोई भी आ सकता है, वहाँ जाके बैठो। ठीक है मैडम जी। तेरी कॉपी पे चलवा ले मैडम पेन। मैडम कॉपी। पढ़ाई का मन तो मेरा भी करे है जी। अच्छा तो बैठो ना। मैं कह रहा हूँ जी, पढ़ाई को तो मेरा भी मन करे है, पर मैं तो जी मजबूरी ने जकड़ रखा। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मजबूरी कुछ ऐसी बन गई जी, मेरे पापा ने एक बार 10 टरोल ईट मंगाई, अब वे रात रात में चुरगी सपा कर ली काई ने। ईट से पढ़ाई का क्या मतलब है? है मैडम जी, मैं उन ईटन पे किताब धर के पढ़ रहा हूँ, अब मैं घर को चला गया, और फिर उन ईटन ने और किताबन ने कोई सफा कर गो, अब बताओ कैसे पढूं। अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रामू काका। रामू काका? हाँ मैडम जी, जब मैं छोटा सा है ना तो मैं फिल्मन में रामू काका बहुत अच्छे लगे करे, उनके साथ रामू काका ही बनना पड़ो। उसमें क्या कुर्सी पड़ी? हाँ सही दलख लग गया आप। मैडम जी, मैं यूँ कह रहा हूँ कि सैलरी अकाउंट में आएगी या फिर वो कहीं कैश लेनी पड़ेगी, आप कैश दियोगी सैलरी है? वो तो पापा देंगे ना, चाहे कैसे भी दे आपको मिल जाएगी। हाँ मैडम वो तो ठीक है, मिल जाएगी, मो विश्वास है आप पे। आई मिस यू। क्या मतलब? मतलब मैडम जी मैं यूँ कह रहा हूँ, आई मिस माई तनख्वाह। ऐसे ही कितना मजा दे रहा तू। शिट यार। अबे कहाँ होगा? कुछ नहीं बाबा, मुझे नेहा के घर जाना, इतनी देर से कैब बुक कर रही हूँ, हो ही नहीं रही, उसके जीजू आए हुए हैं। तो एक काम करूँ, मोटरसाइकिल खड़ी है ना, वहाँ चली जा। पापा क्या बात कर रहे हो, मोटरसाइकिल से जाऊंगी मैं? डीएसपी की बेटी मोटरसाइकिल से ही अच्छा लगेगा। कोई कुछ ना कह रहा, एक काम करियो ना, मोटरसाइकिल पहले ही खड़ी कर दीजिए और चुप चुप चली जियो, कोई सोचेगा गाड़ी पे। ठीक है तो चलो फिर आप। मैं ना जा रहा, पागल होगी क्या तू? जाइ चलो जाएगा, जा रहे। ठीक है मैं जा रहा हूँ जी, आराम से जाइयो। अरे सुन यार, तू ही तो मजा दे रहा मालिश में, तू मालिश कर, माली चलो जाएगा माली। हाँ चाचा अंकल। मोटरसाइकिल चलानी आ गए? हाँ जी चला लू, 90 स्पीड थे। आवा ना यज्ञ चली जा, अभी छोड़ी आऊंगा जी। चलो जी, क्लिच छूट गई जी, क्लिच। अरे ओ मार गया गिरा, मालिश करो मालिश मालिश मालिश। ओ तू पागल, ओ टॉट, ओ पागल है, मैं मालिश कर रहा हूँ, मैंने करो तो ओ सुना कम मार रहा हूँ। धोख रहे यार भाई, कसम मैं हूँ गार्ड लगने को आया हूँ, अंकल मौज ले रहा है और मैं यहाँ बैठ के गार्ड नौकरी कर रहा हूँ यार, मो तो ना बात कर रही ना मो देख रही, मैं कहाँ करूँ यार, कहाँ करूँ? एक काम करूँ, मैं वह करूँगा इमोशनल, छत पर तो कूद जाऊँगा, अपने तरीका था मेरे कम भी लगेगी और मेरी केयर करेगी, वो डॉक्टर के लेके जाएगी, अरे वो फल फल उठ खवाएगी, कहाँ पता पति जाव है, अब डीसी के पत्ता काट दूंगा कतई बिल्कुल। मैडम जी मो बचाओ, मैं लग गई। मैडम जी आप बचाओ, कहो मैडम जी मैं लग गई, गिर गया। कोई तो बचाओ मैडम, कहो चली गई, कहो मर गई मैडम। कैसा पड़ा? कर लियो पूरे जतन, जतन पैदा भी कूद लियो, पता बात करने की कोशिश भी करी पर फिर भी जीता मैं ही। वो मोता ही बात करना पसंद करे क्योंकि एक सिकल है ना अच्छी हमारी, बाकी सुख की तेरे बस की नो, तू अपने यहाँ चमड़ा की छूत लेकर लिकट जाए होते क्योंकि कुछ ना होने वाला है, ठीक है।
बागी सुक्की तेरे बस की नो, तू अपने यहाँ चमड़ा की थू तले के लिकड़ जाए होते चत्तन पैदा भी कूद लियो, तू अपने यहाँ चमड़ा की थू तले के लिकड़ जाए होते। बड़ी शॉपिंग कर रही, बड़े लगता ला रही, अब समझी ना मट्टी में। हेलो, कैसा फोन कर रहा है, कैसा दोबारा आने का मन कर रहा दिखे। अरे यहाँ काई को आऊंगा मैं, अब जब मैंने मैडम ही किडनैप कर ली। मैडम किडनैप कर ली? अरे तू पागल है क्या, अब दिना दो मैं। अब तू भट्टा पे आ जा, नहीं तो पता मैं कैसा आदमी हूँ, कहाँ तक कहाँ कर सकूँ। मैडम किडनैप कर ली? ओ बोला, अरे तू पागल वागल है का, चटको कता ही अकल वकल है नो, तेने यू किडनैप कर ली। तू सोच रहा मैं आप पटा लूंगा, मैं वो कर लूंगा, होने का कुछ भी ना, ठीक है, वो डीएसपी है, इतना तगड़ा केस ठोका तो पे जिंदगी भर तो जमानत ना मिलेगी, पता तो कोर्ट में ना फांसी की सजा सुनाई जाएगी। अरे कोई दिक्कत ना हो यार, जब मैं कोर्ट सजा सुनाएगा ना, मैं अपने कॉल बंद कर लूंगा, ऐसे सजा सुनूंगा ही ना, कहा पार सका कोई मेरो चटक वटक है का, ऐसे ना होएगा रे, नहीं सजा ना सुनूंगा तो सजा ही ना होएगी, तो फांसी होएगी फांसी, ऐसे लटकेगा। कोई बेहोश पड़ी आध घंटा तक, अब यार मैं यहाँ उठा के मैं बस माफी मांगूंगा भाई, वो माफ कर देगी। ए भाई तुम यहीं रुको, मैं कुछ दवाई लेकर आ रहा हूँ, अभी दो मिनट मारूं। मंत्री जी मेरी टेंशन दूर करो, थोड़ी सुबह की गई अब तक नहीं, अब तुम देख लो अपने आप। मालिक मालिक तू कैसा हो मालिक, मैं तुम्हें कहाँ बताऊं, मैं तुम तो कह रहे ना बहुत बेकार है वो इंसान, बहुत ज्यादा। कौन? माली। माली मो पूरा विश्वास है कि लड़की भाई के धोरे होएगी, मर मैम साहब मो पता तुम्हें विश्वास ना होगा। एक मिनट रुको, फोन करूं मैं आप। पता इन्हें कैसे बात बनेगी, यू घर कहाँ कहेगी। हेलो लड़की कहाँ? हाँ छोरी आई है, देख लियो बहुत बेहाल भाई, धोर लड़की है ये, मारी के तो खानदान मिटा दूंगा, चल रहा। अजीब रॉकेट नेपर, देखिए हमारी मैडम कैसे पड़ी है रेत में। बहुत बढ़िया माली, हमने कहा सोची और तू हम तो विश्वासघात कर गो। सर जी मैं आपसे बहुत दिन तक कहने वाला हूँ कि वो ऐसा ही है, पर मैं कहा करूँ मेरी मजबूरी कि मुझ पर विश्वास नहीं करते आप, कि क्या कह रहे हो। ओए तेरी बुद्धि ठीक है, मेरे नाम कहकर लगा रहा हूँ, मेरे कहा कर बतियो। माली घर की रोटी खा के घर में यहाँ दियो। ना जी ना, बिल्कुल सरासर झूठ है। हाँ जी आते पूछो, मैं अगेल बचपन तक रह रहा हूँ, यहाँ मेरी आदत की पता, मैं कतई ना कर सकूँ, और यू बहुत बेकार आदमी है जी। पापा बेटी पहले मैं सच्चाई बता, कून लाया तो अपनी आँखें देखी बता। पापा मुझे नहीं पता, मैं जब घर से निकली तो किसी ने मेरा हाथ खींचा, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सर मैं बताओ, मैं देखा गाड़ी में लड़की खींच के ले गो, मैं देखा। अब तू सोच ले तेरी गल कहा होएगा। कोई ना जी सर जी, तुम्हें अगर विश्वास न हो रहा तो कोई ना जी, मैं नहीं करी किडनैप, ठीक है जी, मैं नहीं करी आप किडनैप। पापा जी सुनो, मुझे एक बात कहनी है, अगर ये एक डीएसपी की बेटी को किडनैप कर सकता है तो ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब क्या कह रही है तू? मतलब आप खुद सोचो ना पापा, इसमें कितनी हिम्मत है, मैं इससे शादी करूंगी तो मैं कितनी खुश रहूंगी। दिमाग खराब होगा दिखे तेरा। नहीं पापा, कंग्रेचुलेशंस, दामाद तो आपको आपका मिल गया। ठीक है बेटी, जब तेरी हर बात मानी है तो यहाँ भी मानेंगे, ठीक है भाई। तेरे माथे की बिंदिया चमकती। राम राम जी। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, रुक जा रुक जा,
ऐसे ना कहनी, अब का मैं कहूंगा देखो हर बार कह रहे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसे वैसे, पर अब के लाइक सब्सक्राइब तो करनी ही करनी है पर कमेंट इतनी भर देनी है कि हमें भी लगा हो प्यार करने वाले बहुत है, बहुत ज्यादा। अब जी वीडियो का जो आप बेस्ट पार्ट और बेस्ट डायलॉग लगे कमेंट में जरूर बताओ।